So let me save the window. Let me save the window first. और भी आप लोग के कोई बैचमेट हैं जो क्लास 11th का क्लास करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग उसको बोल सकते हैं. अभी हमारा ग्रेजुएशन शुरू ही हुआ है तो यदि कोई ज्वाइन करेगा तो समझ में आ जाएगा. ग्रेजुएशन के बाद जो है जो हम लोग का टॉपिक चलेगा इसके बाद वो सेकंड जो पार्ट है फिजिक्स का सेकंड वॉल्यूम जो है जिसमें हीट वगैरह है वो शुरू हो जाएगा. तो वहाँ से आप लोग चाहे तो उसको बुला सकते हैं अपने किसी फ्रेंड को भी क्लास में. टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा 4:50 से 5:50 का टाइमिंग रहेगा. हम लोग इसमें वीकली टेस्ट भी लेंगे और इसमें हम लोग एनसीईआरटी को पूरा कवर करेंगे. एनसीईआरटी पूरा कवर करेंगे और जब एनसीईआरटी हमारा पूरा हो जाएगा तब हम लोग एनसीईआरटी को सॉरी एससी वर्मा को एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा पूरा तो हम लोग एससी वर्मा का क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व करेंगे. ठीक है तुसी? हाँ. ओके तो फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास. उसी के पास और कोई बुक है एनसीईआरटी एससी वर्मा के अलावा और कोई फीस का बुक है? नहीं. अच्छा कोई बात नहीं. So, कुछ आपको याद है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या क्या है? न्यूटन्स लॉ फर्स्ट न्यूटन का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ तीन लॉ था न्यूटन का मोशन का. हाँ बताइए तीनों लॉ बारे बारे से. उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया का था जो भी रेस्ट में रहता है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है और जो मूव करता है वो मूव करना ही चाहता है. हाँ ये कौन सा लॉ हुआ? फर्स्ट लॉ. व्हाट अबाउट सेकंड लॉ? उसमें था फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्स F इक्वल टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है क्या हुआ डायरेक्टली हुआ कि इन्वर्सली हुआ? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल. व्हाट अबाउट थर्ड लॉ? ये अपोजिट एक्शन जैक्सन. फिर से बोलना मतलब ये एक्शन जैक्सन फोर्स कैसे बोलते हैं उसको एक्शन जैक्सन तो ठीक है. अगर किसी चीज को मतलब क्या बोलते हैं दिव्या आप बताओ व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन? थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? Yes, Divya. Sorry, नहीं जानते. ठीक कोई बात नहीं. थर्ड लॉ मोशन है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हाँ जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देखिए जैसे कि क्या हुआ कि यदि ये मार्कर है देख रहे हैं आप लोग मार्कर दिख रहा है मार्कर उसे हाँ. ये मार्कर किस कलर का है? ब्लैक कलर का है या रेड कलर का है? कैप तो ब्लू है रेड होगा. कैप तो ब्लू है ब्लू है. हाँ ब्लू है. यदि इस पे हम फोर्स लगाते हैं तो क्या ये मार्कर अभी यहाँ पे कैप पे फोर्स नहीं लगा रहे हैं यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो क्या ये मार्कर बढ़ रहा है बड़ा हो रहा है इसका लेंथ? नहीं नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जितना इस पे हम एक्शन लगा रहे हैं उतना ही मार्कर के अंदर रिएक्शन हो रहा है या नहीं बढ़ रहा है. सिमिलरली यदि किसी वॉल को हम पुश करते हैं सपोज कि हमारे सामने कोई वॉल है उसको हम ऐसे करके पुश कर रहे हैं तो क्या वॉल आगे बढ़ता है? नहीं. मतलब जितना हमने एक्शन लगाया उतना ही उस पर रिएक्शन लग रहा है इसलिए वॉल हमारा वहां पर आगे नहीं मूव कर रहा है. ठीक है तो ये हुआ हमारा एक्शन रिएक्शन ये थर्ड लॉ है. फर्स्ट लॉ आपने कहा कि वो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है वेरी गुड. सेकेंड लॉ आपने कहा एफ इक्वल टू एम ए बट एफ इक्वल टू एम ए इज नॉट सफिशियंट. वहाँ पर हम लोग ऐसे बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नॉन एज
अप्लाइड फोर्स, मीन्स अप्लाइड फोर्स जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, वहाँ पे हम लोग को ये बोलना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। यस, यहाँ तक क्लियर हुआ दिव्या? यस। ओके, सो तो अभी हम लोग, मैंने क्यों बोला न्यूटन लॉ, क्योंकि ग्रेविटेशन के अंदर भी न्यूटन लॉ है, मोशन में था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दोनों के नाम में थोड़ा सा अंतर है, वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था, यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था। तो आपके पास जो बुक है खुशी, और वो बुक को आप पढ़ेंगे, उसमें एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, और इस पीडीएफ भी पढ़ेंगे, पीडीएफ शेयर कर दिया इस पीडीएफ से भी पढ़ेंगे, इस पीडीएफ से आप पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी के बारे में बताया हुआ है, ग्रेविटेशन क्या होता है और ग्रेविटी, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्या होता है दोनों में अंतर। यदि दो बॉडी के बीच फोर्स लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस दो बॉडी में एक बॉडी यदि अर्थ हो गया तो उसको बोलेंगे ग्रेविटी फोर्स। पर आपको ये जानना है कोई भी टू बॉडी है तो उसके बीच फोर्स लगेगा, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आप लोग को, ये मार्कर है, ये मोबाइल है और ये मार्कर है, तो क्या होगा, इस दोनों के बीच फोर्स लगता है, ठीक है। ये मोबाइल इस मार्कर को अपनी तरफ खींच रहा है और ये मार्कर भी मोबाइल को अपनी तरफ खींच रहा है, ये दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो कैसा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। सिमिलरली यदि मैं ये मार्कर रखा हूँ अपने हाथ में, तो क्या है, ये मार्कर हमको खींच रहा है और हम इस मार्कर को खींच रहे हैं, मतलब कि मेरे और इस मार्कर के बीच जो है एक फोर्स लग रहा है, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अर्थ और मार्कर के बीच भी फोर्स है, इस मार्कर को अर्थ भी खींच रहा है नीचे की ओर, वो हो गया ग्रेविटी फोर्स। मेरा बॉडी है मुझे भी अर्थ खींच रहा है नीचे की ओर, ये हो गया ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ खुशी? हाँ। ग्रेविटी फोर्स क्या होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दोनों में इतना ही डिफरेंस है, ग्रेविटी फोर्स में एक बॉडी अर्थ होता है, दूसरा बॉडी कुछ भी हो सकता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स में दोनों बॉडी जो है दोनों में से कोई भी अर्थ नहीं होता है, यही दोनों में अंतर है। बाकी इसको आप पढ़ेंगे, ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे, आपको और क्लियर होगा, और कोई दिक्कत होगी तो आप फिर नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में आप इसे पूछ लेंगे, ओके। तो यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है उसी के बारे में, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखिए अर्थ है और मून है, दोनों की जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग उसको बोलेंगे ग्रेविटी फोर्स, क्योंकि एक उसमें अर्थ आ गया। इसके बाद आपका न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, जो मैंने बताया कि दो बॉडी के बीच फोर्स लगता है, जो मैंने बताया अभी आपको, कोई भी दो बॉडी होता है उसके बीच फोर्स लगता है, कैसे फोर्स लगता है, कोई भी दो बॉडी के बीच, कोई भी दो बॉडी है, जैसे कि एक घर है और एक कुर्सी है, चेयर है, उसके बीच फोर्स लगेगा, कुर्सी और टेबल के बीच फोर्स होगा, टेबल और आपके बीच फोर्स होगा, मतलब कोई भी दो बॉडी है जिसके अंदर मास है उसके बीच में फोर्स लगता है, और वो जो फोर्स होता है वो दोनों के मास के मल्टीप्लीकेशन के प्रपोर्शनल होता है, डैट फोर्स इज प्रपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास ऑफ बोथ द बॉडी, पहला। दूसरा होता है, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे, देखिए आप लोग, पहला क्या होता है, वो जो फोर्स होता है दोनों के मास के मल्टीप्लीकेशन के प्रपोर्शनल होता है, और दूसरा होता है कि यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स क्या होता है, एफ प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू, दोनों के मास के मल्टीप्लीकेशन प्रोपोर्शनल हो गया, और ये एम वन है, ये मेरा माउस, मेरा कर्सर दिख पा रहा है आप लोग को? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये एम वन हो गया और ये आपका एम टू है, तो एम वन एम टू का जो मल्टीप्लीकेशन हो गया वो एम वन एम टू हो गया, ये फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे देखिए आप आर है, तो वो आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दोनों को मिला दिया हमने तो हो गया एफ इक्वल टू एफ प्रोपोर्शनल टू एम वन एम टू अपन आर स्क्वायर। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे आप तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं कैपिटल जी, एफ हो गया जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, इस जी को बोलते हैं, जी इज कॉन्स्टेंट कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। दिव्या आप बताइए क्यों बोलते हैं इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? अर्थ में इसका वैल्यू सब रहता है, हाँ सब जगह इसका वैल्यू कहीं नहीं बदलता, जैसे कि हमने पढ़ा है जी का वैल्यू वेरी करता है, स्मॉल जी का वैल्यू जो होता है एसेंशन ड्यू टू ग्रेविटी जो 9.8 पढ़े हैं आप, वो अर्थ सरफेस पे है, मून पे कुछ और होगा, अनदर किसी प्लानट पे कुछ और हो जाएगा, उसके बाद आपका
अर्थ के ऊपर जाएंगे, अर्थ के नीचे जाएंगे तो उसका वैल्यू घटेगा बढ़ेगा, लेकिन ये जो जी का वैल्यू है ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। ये कॉन्स्टेंट है लेकिन क्या है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है। इसका वैल्यू यहाँ बताया गया है, क्या करेंगे यदि यहाँ पे एम वन को वन कर देंगे, एम टू को भी वन कर देंगे और आर को भी वन कर देंगे, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी वन इंटू वन अपॉन वन स्क्वायर, तो एफ इक्वल टू जी हो जाएगा। तो जो यदि यूनिट क्या हो गया, एम वन एम टू दोनों के यदि आप वन कर दिए, आर को भी वन कर दिए, तो एफ का जो वैल्यू होगा वही जी होगा। तो इससे हम लोग जी का वैल्यू निकाल लेंगे, निकालने में मालूम चलता है कि जी का वैल्यू जो है वो कितना है, ये देखिए यहाँ पे 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, ये वाला पहले वाला ये वैल्यू है इसका, ठीक है, ये जो वैल्यू लिखा हुआ है ध्यान देना आपको 6.67 इंटू 10 टू पावर 11 ये होता है। और बात करते हैं इसके यूनिट की, तो क्या होगा इसका यूनिट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि हम लिख रहे हैं एफ इक्वल टू, ऊपर देखिए यहाँ पर यदि हम लिख रहे हैं एफ इक्वल टू हमारा क्या है, एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर है, इससे लिख सकते हैं जी इक्वल टू क्या होगा हमारा, जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाय एम वन एम टू। मोबाइल मोबाइल छोड़ दीजिएगा, सुन रहे हैं, मोबाइल ले जा रहे हैं, मोबाइल तो ये क्या हो गया हमारा, जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय एम वन एम टू, ठीक है। तो यहाँ पे एफ पता है क्या होता है, न्यूटन होता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है न्यूटन, एफ होता है न्यूटन, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और एम वन एम टू मतलब के जी इंटू के जी, हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर या के जी पावर माइनस टू। खुशी ये क्लियर हुआ यहाँ तक। सिमिलरली इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट डायमेंशन, वी नो द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज एम एल टी माइनस टू, ये फोर्स का हो गया, एंड डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर इज एल स्क्वायर, एंड डायमेंशन ऑफ मास इज एम, दो बार एम है तो ये हो गया, ये डायमेंशन हो गया। तो ऐसे आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, आप यूनिट निकाल सकते हैं, एंड यू कैन, और इसका वैल्यू कितना हो गया 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, ये आपको याद रखना है न्यूटन में, और डायन में करेंगे तो 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डायन। अच्छा खुशी आप मुझे बताइए कि न्यूटन और डायन में क्या अंतर है, खुशी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूटन एंड डायन? डायन में पावर 10 होता है, नहीं कंफ्यूज है, डायन जो है वो सीरियस यूनिट है और न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट है, दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। एंड वन न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डायन, यस, मतलब 10 to the power 5 डायन को हम बोलेंगे एक न्यूटन, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पावर में देखिए आप, पावर में इसलिए यहाँ पे वेरी कर रहा है क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर भी है, तो वो कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल जाएगा हमारा, ये आप लोगों को फोर्स में पढ़ने के लिए था, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, किसी के बारे में बता बात, ये आपको पढ़ना है, ठीक है खुशी, ये पीडीएफ आपको पूरा पढ़ना है, आपको समझ में जहाँ पर नहीं आएगा उसको आपको नोट कर लेना है, कि सपोज कि आपको यहाँ को समझ में नहीं आया तो आप नोट कर लेंगे, पेज नंबर 8.4 का ये फर्स्ट पैराग्राफ या ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो उसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे कुछ एविडेंस दिया है, एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कुछ सपोर्ट दिया, कुछ एविडेंस दिया है, क्योंकि कोई भी लॉ कोई साइंटिस्ट यदि प्रपोज करते हैं तो उनको भी नहीं पता होता है कि वो सही है कि गलत है, इसलिए उसका उसको अपना सही प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंस देना पड़ता है, वो यहाँ पे बताया गया है, उसको आप पढ़ लेंगे, कोई खास ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद है आपका देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का जो लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, हमने पढ़ा ये हमारा ए बॉडी है उसका मास एम वन है, और ये हमारा बी बॉडी है उसका मास एम टू है, दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो ए पे फोर्स लग रहा है, ए पे कौन फोर्स लगेगा खुशी आप बताइए, ए पे जो फोर्स लगेगा वो कौन लगेगा, ए पे जो फोर्स लगेगा वो किसके द्वारा लगेगा, खुशी आई एम आस्किंग यू, मेरी आवाज आ रही है, यस, तो खुशी बोल नहीं रही है, हाँ
ओके ठीक है, आप बताइए दिव्या। एपीएम टू फर्स्ट लगा रहा है मतलब, हाँ और बी पे कौन फर्स्ट लगाया, इसलिए लिखा हुआ है, इसलिए ए पे क्या लिखा हुआ है, इसलिए ए पे लिखा हुआ, हाँ ए पे जो फोर्स है वो क्या है मतलब कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। यस खुशी एम आई ऑडिबल टू यू, तो आप ये बताइए खुशी कि इस एम वन पे ए बॉडी पे कौन फोर्स लगाएगा, ए बॉडी पे फोर्स कौन लगाएगा, हाँ इस ए बॉडी पे एम वन पे फोर्स लगाएगा वो फोर्स कौन लगाएगा, F21 F21 तो फोर्स का नाम है, ये फोर्स कौन लगा रहा है इस पे, ग्रेविटी, नहीं मैंने क्या कहा था, जब दो बॉडी होता है तो दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, यहाँ पे जो M1 पे फोर्स लगा रहा है M2 और M2 पे फोर्स लगा रहा है M1, क्लियर हुआ ये चीज, हाँ हाँ, इसलिए लिखा हुआ है M1 पे जो फोर्स है वो लिखा हुआ है F12, मतलब क्या फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यहाँ समझिएगा कि जो वन टू लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यहाँ लिखा हुआ है टू वन मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये क्लियर हुआ, यस, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है आर है, ठीक है, और यदि इसको लिखेंगे वेक्टर में तो वन से लेकर टू का जो डिस्टेंस है वो आर वन टू वेक्टर है और टू से लेकर वन का डिस्टेंस है वो आर टू वन वेक्टर है, तो खुशी आप मुझे ये बताइए आप वेक्टर पढ़े होंगे, इस आर वन टू और इस आर टू वन दोनों में क्या डिफरेंस या क्या मतलब कि क्या डिफरेंस या क्या सिमिलरिटी है दोनों आर वन टू और आर टू वन में, खुशी यू आंसर दिस क्वेश्चन। वेक्टर पढ़े हैं ना आप खुशी, are you there? आप बताइए दिव्या क्या अंतर है दोनों में, एक दूसरे का दोनों अपोजिट है, और क्या है दोनों में, ये तो डिफरेंस हो गया ठीक है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में कोई सिमिलरिटी है क्या, अच्छा आर वन टू क्या है, आर वन टू है ए से लेकर के बी का डिस्टेंस, यही है ना आर वन टू, इस ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट का डिस्टेंस है वही आर वन टू है, और आर टू वन क्या है, इस बी से लेकर के ए तक का डिस्टेंस यही है आर टू वन, तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा क्या, ए से लेकर बी का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस तो बी से लेकर ए का है कि नहीं, तो दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, हाँ दोनों का वैल्यू बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन दोनों का उल्टा है, ठीक है, तो बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में समानता क्या है, बताइए दोनों में डिफरेंस यही है कि एक दूसरे का दोनों अपोजिट है और समान दोनों मतलब दोनों का वैल्यू सेम ही होगा, हाँ लेकिन डायरेक्शन दोनों का उल्टा होगा, ठीक है खुशी यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, सर फिर से बोलिए ना, ये नेट का इस, हाँ यहाँ बोल रहे हैं कि F R12 क्या है, R12 है A से लेके B का डिस्टेंस, R21 क्या है B से लेके A का डिस्टेंस, तो दोनों डिस्टेंस तो बराबर ही है, चाहे A से B को मापे चाहे B से A को मापे दोनों बराबर ही है डिस्टेंस, दोनों बराबर ही है, A से लेकर के B को मापेंगे तो ये R12 हुआ, B से लेकर के A को मापेंगे ये R21 हुआ, दो डिस्टेंस तो बराबर ही है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है, ये A से लेकर B तक A से B की तरफ है, यहाँ एरो देखिए इधर दिया हुआ है यहाँ पे एरो नीचे में, और B से लेकर A तक एरो इधर दिया हुआ है, तो दोनों का वैल्यू तो बराबर है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है लेकिन डायरेक्शन क्या है दोनों का अपोजिट है, यस खुशी क्लियर हुआ, अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, तो यही है हमारा वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या लिखते हैं हमारा फोर्स वही था F12 ही फोर्स है,
जिसका वैल्यू हम पता है कि क्या होता है, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर होता है। लेकिन ये जो फोर्स है, ध्यान दीजिएगा, ये फोर्स क्या होगा, ये फोर्स होगा वन से लेकर टू के तरफ। तो यहाँ पे होना चाहिए हमारा वेक्टर क्या, आर टू वन, आर वन टू होना चाहिए, लेकिन आर टू वन लिखा है इसलिए यहाँ पे माइनस लिख दिया है। ठीक है, क्यों लिखा है, द नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ वन टू इज अपोजिट टू अपोजिट डेट ऑफ आर टू वन, डेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर सो डेट एम वन इज अट्रैक्टेड बाय अट्रैक्टेड टुवर्ड एम टू। एम वन जो है एम टू के तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली एफ टू वन को लिखा, ये फोर्स हमारा टू से वन के तरफ होगा, लेकिन चूंकि आर वन टू यूज किया है इसलिए यहाँ पे निगेटिव यूज कर दिया है। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। यहाँ लिखा भी देखिए, एज आर वन टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर वन टू, सिमिलरली एफ वन टू क्या होगा, माइनस ऑफ एफ टू वन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, खुशी क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपको पढ़ना है खुद से, कौन कौन सा फीचर है इसका, उससे आप पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आपका है प्रीपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन मतलब हुआ कि जोड़ना, एक कोई फोर्स है दूसरे फोर्स को उसमें जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सुपरपोजिशन। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पे बहुत सारा फोर्स है, एन फोर्स है, तो हमने क्या किया उसको उस पर नेट फोर्स निकाला, हमने लिख दिया एफ आर इक्वल टू क्या हो गया, सारे फोर्स का सम हो गया, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस एफ एन, या उसको लिखेंगे सिग्मा में समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस आई वन से लेकर के एन तक एफ आई, इसको बोलते हैं हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। इन द केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आप इस तरह से सुपर इम्पोज कर सकते हैं फोर्स को। ठीक है, मतलब कि सपोज कि तीन चार बॉडी रखा हुआ है एक जगह, तो हर बॉडी पे जैसे कि तीन बॉडी रखा हुआ है, तो पहले बॉडी पे दूसरा तीसरा दोनों फोर्स लगेगा, इस तरह से दूसरे पे पहला तीसरा भी फोर्स लगेगा, और इस तरह से तीसरे पे पहला और दूसरा दोनों फोर्स लगेगा। सारे फोर्स को जोड़ देंगे हम तो वो हो गया सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, सुपर पोजिशन हो गया वो, सुपर पोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये क्लियर हुआ खुशी, सुपर पोजिशन क्लियर हुआ खुशी? खुशी का शायद नेटवर्क वीक लगता है इसलिए वो बोल नहीं पा रहे बीच में, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आपका है सेल थ्योरम, इसको आपको सेल थ्योरम क्या कहता है देखिएगा। सेल थ्योरम है, दिस थ्योरम गिव्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अ पॉइंट मास ड्यू टू स्फेरिकल सेल और अ सॉलिड स्फीयर, कोई स्फेरिकल सेल है या सॉलिड स्फीयर है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स देता है। ठीक है, इट कैन बी स्टेटेड एज फॉलो, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे बोलते हैं, खुशी वाला क्लियर हुआ आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? एक बार फिर से समझाइए ना। इसमें क्या है कि यदि किसी बॉडी पे मोर देन वन फोर्स लग रहा है तो सारे फोर्स को हम लोग ऐड कर देंगे वेक्टर के फॉर्म में, इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन। यहाँ पे दिखाया भी है एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर है कि यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, एम वन बॉडी है और एम वन के चारों तरफ एम टू है, एम थ्री है, एम थ्री है नीचे और एम फोर है यहाँ पर, इस एम वन बॉडी पर तीन फोर्स लग गया, इसको एम टू खींच रहा है इधर की ओर, एम थ्री खींच रहा है नीचे की ओर और एम फोर खींच रहा है इधर की ओर, तीनों फोर्स को यदि जोड़ देंगे हम लोग यही हो गया सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स ऑन एम वन। ठीक है, क्लियर हुआ खुशी? हाँ। तो वही देखिए, तीनों फोर्स को क्या किया, जोड़ दिया, तीनों फोर्स को जोड़ दिया वेक्टर के फॉर्म में, सुपर पोजिशन हो गया, क्वेश्चन बनेंगे इस पर और क्लियर होगा। सेल्स थ्योरम क्या है, सेल्स थ्योरम आपका है, इफ अ पॉइंट मास लाइज आउटसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल या स्फीयर विथ अ स्फेरिकली सिमेट्रिक इंटरनल मास डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कोई स्फीयर है और कोई पॉइंट मास है जो उसके बाहर लय कर रहा है, या तो सेल है या पूरा सॉलिड। यहाँ देखिए इस फिगर में क्या है, इस फिगर में जो है ये सेल है, फोर्स ऑन एन आउटसाइड पार्टिकल ड्यू टू अ सेल, और ये जो फिगर है नीचे वाला इसमें क्या है, ये आपका फोर्स ऑन एन आउटसाइड पार्टिकल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, यहाँ पे स्फीयर है सॉलिड है, मतलब कि जैसे हमारा गेंद होता है भारी वाला और जैसे प्लास्टिक का बॉल होता है वो सेल हो गया हल्का वाला। तो कह रहा है
कि अपॉइंट मास लाई आउटसाइड अ यूनिफॉर्म सेल और स्फीयर विद अ स्फेरिकली सिमेट्रिक इंटरनल मास डिस्ट्रीब्यूशन द सेल attracts the point mass as if the entire mass of cell or sphere were concentrated at the center. अब देखिए क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे सेल है और यहाँ पे मास m है, तो इस मास m और इस सेल के बीच का डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग? एक बार होता दिमाग में ही आ जाए कि यहाँ जो इसका सरफेस है, सरफेस से यहाँ तक का डिस्टेंस ले ले, या इधर का सरफेस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ले ले। ऐसे में आखिर करना क्या होगा हम लोग? ऐसे में ना हम डिस्टेंस इस सरफेस से लेंगे ना इस सरफेस लेंगे, हम इस सरफेस में किस में सेंटर डिस्टेंस लेंगे, ये वाला डिस्टेंस लेंगे, सेंटर से जाएंगे और यहाँ तक चले जाएंगे, ये इसका डिस्टेंस हुआ। इसको बोलेंगे ऐसे किस में आर, जो कि यहाँ पे दिखा हुआ है फिगर में। मतलब यूनिफॉर्म सेल है या यूनिफॉर्म स्फीयर है, यह मानते हैं कि इसका पूरा मास जो है इसके सेंटर पे लाई कर रहा है, इसके सेंटर ओ पे लाई कर रहा है, इसके सेंटर ओ पे लाई कर रहा है। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ ये चीज? हाँ। यदि यदि पूरा मास सेंटर पे ही लय कर रहा है तो डिस्टेंस भी सेंटर से ही लेंगे, सेंटर से डिस्टेंस लिए उसी को हम लोग आर बोल दिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो क्या कर दिया, देखिए यहाँ पे इसका पूरा मास एम है, क्या हो गया, जी तो कांस्टेंट है, एम हो गया सेल का मास, ये हो गया दूसरा मास जो बाहर है, और नीचे आर एस को यही फोर्स हो गया हमारा। सिमिलरली यहाँ भी फोर्स निकाल दिया इस तरह करके। ठीक है, ये कब होगा? When, जब दोनों के बीच का डिस्टेंस r जो है वो रेडियस से बड़ा हो, तब है ये, दोनों के बीच का डिस्टेंस r जो है इसके रेडियस से बड़ा है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ दिव्या? Yes, हाँ। ओके, इसको आपको पढ़ना भी है खुद से, ठीक है, और यदि अंदर रहेगा कोई मास, यदि कोई मास सेल के अंदर आ गया, जैसे कि यहाँ इस फिगर में क्या है, क्या कर रहा है, यदि कोई ये सेल है हमारा, ये पूरा सेल है बड़ा सा, इसका मास एम है और मास छोटा एम जो है वो अंदर आ गया है, इस केस में क्या होगा? नो फोर्स, ध्यान दीजिएगा, इस केस में क्या होता है, इस केस में कोई फोर्स काम नहीं करता है, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल इनसाइड द सेल, यहाँ पर भी ठीक है, कोई फोर्स काम नहीं करेगा, यदि सेल है तो कोई काम नहीं करेगा, हाँ मास है स्फीयर है तो काम करेगा, कैसे काम करेगा, तब इसमें मास निकाल लेंगे, जहाँ पे ये मास है उसके अंदर में जो मास है वो कितना बड़ा मास है उससे निकाल लेंगे, ये क्वेश्चन बनेंगे तो वहाँ लोगों को और क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ निकलेगा फोर्स, बट वहाँ फोर्स सेल में फोर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, इसके बाद दिया है आप लोग को कि वेरियस एग्जांपल है, पहले तो है कि फॉर योर नॉलेज इसको समरी कर दिया है, जितना आप लोग पढ़े अभी सब क्या किया है यहाँ पे समरी कर दिया है, उसके बाद एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूला होता है फोर्स निकालने का, उसके बाद मास किसी प्लानेट का निकालना है उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं मास निकालने के लिए, प्रिंसिपल क्या है सुपरपोजिशन का, सारे फोर्स को ऐड कर दीजिए, यूनिट क्या यूज किए हम लोग, जो हमारा फोर्स है उसको रखे न्यूटन में, जो मास है उसको रखे हम लोग एम वन एम टू को रखे, सारे फोर्स को रखे हम लोग के जी में, जो डिस्टेंस है आर उसको रखे हम लोग मीटर में, ये हम लोग यूज ध्यान रखेंगे, और कॉन्स्टेंट का यूज किया हम लोग यहाँ पर जी, ये 6.67 × 10^11। ठीक है, इतना हम लोग डिस्कस किए कोशिश, अभी ऐसा क्लियर है ना? हाँ। इसी पे क्या है, इसी अलावा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो मास दिया हुआ है, दोनों का मास 1 kg है, तो कह रहा है कि डिस्टेंस दूर के बीच का 10 cm है, कह रहा है कितना फोर्स लगेगा वो निकालने। ठीक है, ये पूछा है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारा सॉल्व किया हुआ है, इसको आप देखेंगे बनाएंगे, जो क्वेश्चन में दिक्कत होगी वो आप मेरे से पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे टोटल 6 questions। ठीक है, उसके बाद जब ये 6 questions बन जाए, ये सारा 6 questions जो एग्जाम्पल में सॉल्व किया हुआ है, ये पहले आपको पढ़ करके समझना है, खुद से बनाना है, जब ये बन जाएगा तब आपको आना है यहाँ पर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, जब आप एग्जाम्पल बना लेंगे सॉल्व एग्जाम्पल, तब आपको प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, इसमें दिया है 2 questions, दो क्वेश्चन इस पेज में है, अब बाकी जो है 7 questions इस पेज में है। इस क्वेश्चन के लिए भी थोड़ा बहुत हिंट दिया, जैसे क्वेश्चन 1 का हिंट दिया है, 2 का नहीं दिया है, 3 का दिया है, 4 का दिया हुआ है, 5 का दिया है, 6 का नहीं दिया, 7 का दिया हुआ है, तो जो थोड़ा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसका हिंट यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, ये हमारा है, ये
चूंकि आज थोड़ा मैंने फास्ट इसलिए पढ़ाया है कि ये टॉपिक एक बार हो चुका है, ठीक है, इतना जो है आप लोग को कर लेना है, ठीक है खुशी, इतना कर लोगे आप? हाँ। और दिव्या आप मुझे ये बताइए कि आप क्वेश्चन बनाए तो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? नहीं। सारा बन गया? यस। वेरी गुड। और ये जो सॉल एग्जांपल है, ये छह एग्जांपल? वो एग्जांपल नहीं बनाए थे, आज बनेंगे। नहीं, ये बहुत गलत बात है। मैंने क्या कहा कि पहले आपको एग्जांपल ही बनाना है, पहले आपको सॉल एग्जांपल बनाना है, उसके बाद आएंगे आप प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस पे, ठीक है दिव्या? यस। हाँ, तो आपको ये एग्जांपल बना लेना है, आपका ये काम है, और खुशी का काम दोनों है कि एग्जाम्पल भी बनाना है खुशी को और प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस भी बनाना है, और ये पीडीएफ को पढ़ना भी है, ठीक है? पहले तो सारा कुछ पढ़ना है पीडीएफ को, जहाँ दिक्कत होगी उसका मार्क कर लेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी में, नोटबुक में, और कल मेरे से पूछ लेंगे, और उसके बाद आप सारा एग्जाम्पल बनाएंगे और फिर प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस बनाएंगे। आपके पास 6 एग्जाम्पल है, 7 प्रॉब्लम है, तो टोटल 13 आपके पास क्वेश्चन हो गया सॉल्व करने के लिए। इतना हो जाएगा खुशी, इतना कर लेंगे? कर लेंगे। ओके, वेरी गुड। और बीच में कुछ आपको समझना होगा, कुछ फिर से देखना, यदि देखने की जरूरत पड़ेगी तो ये वीडियो रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड ये रहेगा, इसका मैं लिंक भेज दूंगा, आप वहाँ से इसको देख भी सकते हैं, ठीक है? और अभी जितना हमने डिस्कस किया, इसमें कोई दिक्कत है तो एक बार पूछिए, यदि कोई दिक्कत आपको लग रहा है इसमें किसी पॉइंट पे, तो कोई यूनिट में या कोई डायमेंशन निकालने में या वैल्यू निकालने में या कोई कंसेप्ट समझने में दिक्कत हुआ तो पूछ सकते हैं। यस खुशी? नहीं है। सब समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड, ठीक है। फिर तब यदि आ गया तो हम अपने तरफ से क्वेश्चन करवाते हैं आप लोग को, ताकि थोड़ा समझने में आसानी हो। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, देख पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, एग्जांपल 6? यस खुशी? हाँ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ना है क्वेश्चन को। कह रहा है एग्जांपल में, 3 इक्वल मास ऑफ mkg ईच आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारा 3 मास है, ए पे है एक मास, एम बी पे है दूसरा मास, वो भी एम ही है, सी पे तीसरा मास है, वो भी एम ही है, 3 मास है, तीनों का मास एम ही है। ये क्या किया है, इसको फिक्स कर दिया है इस ट्रायंगल के वर्टिस पे। ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ए बी का जो लेंथ है वही लेंथ बी सी का है, वही लेंथ सी ए का है, फिक्स कर दिया है एज शोन इन द फिगर 8.10। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास 2 मीटर placed at a centroid, what is the force acting on a mass 2m का कोई मास है, प्लेस किया कहाँ पर, एट द सेंटर सेंट्रोइड जी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सेंट्रोइड जी पे प्लेस कर दिया है मास को, कहाँ प्लेस किया है, ट्रायंगल के सेंट्रोइड जी पे प्लेस किया है, मतलब कि यहाँ पर प्लेस किया है सेंट्रोइड पे, इस पॉइंट पे प्लेस किया है। सेंट्रोइड से क्या होता है, सेंट्रोइड से सारे वर्टिकल जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है, तो इस जी से बी का डिस्टेंस, जी से सी का डिस्टेंस, जी से ए का डिस्टेंस, ये बराबर रहेगा, ये होता है सेंट्रोइड, ठीक है? तो ये आपको इस जी पे क्या रखा है, 2m का मास रखा है, वर्टिसेस पे जो है m का मास है और जी पे कितना मास है, 2m का मास है, तो कितना फोर्स होगा जी पे वो निकालना है। तो आप ये बताइए खुशी, इस जी पे जो 2m मास है, इस 2m मास पे कितने फोर्स हैं, टोटल कितने फोर्स है इस मास पे, 3 फोर्स है, वेरी गुड। कौन कौन सा फोर्स है, उसी बताइए कौन कौन सा फोर्स है, F1, F2, F3। F1, F2, F3 मतलब क्या बताइए ना, वो जो मास पे मास से लग रहा है, ए बी सी से। हाँ, ऐसे बोलेंगे, ए पे जो मास एम है वो फोर्स लगा रहा है, बी पे जो मास एम है वो फोर्स लगा रहा है, और सी पे जो मास एम है वो फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स कितना होगा, इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा,
खुशी? हाँ एक सेकंड, तू फोर्स का वैल्यू 2 है? फोर्स का वैल्यू होता है जी एम वन एम टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जी तो कांस्टेंट है, एम वन यहाँ पे एम है, जी कांस्टेंट है और एम वन यहाँ पे कितना है देखिए एम है ना, एम वन एम और M2 कितना है? हाँ. M2 हमारा 2M है, तो क्या हो गया G M into 2M upon ये डिस्टेंस, ये से लेकर के G तक का जो डिस्टेंस होगा ये डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली B कितना फोर्स लगाएगा? G M और M2, M और 2M upon R स्क्वायर, और C भी उतना ही फोर्स लगाएगा, तीनों फोर्स इक्वल ही है। अब वैल्यू कितना होगा वो देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए क्या हुआ ना, वो फोर्स निकाल रहे हैं तो ये वाला फोर्स इतना लगेगा क्योंकि ये किधर है, ये हमारा ऊपर की तरफ है मतलब कि वाई एक्सिस की तरफ है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है। ये समझ आ रहा है खुशी, ये जे क्यों लिखा हुआ है? हाँ क्यों लिखा हुआ है जे ऊपर? हाँ क्योंकि ऊपर फोर्स लग, हाँ क्योंकि ऊपर फोर्स लग रहा है वाई की तरफ, इसलिए वो लिखा हुआ है। सिमिलरली अब लेकिन जब हम बात करते हैं इस दोनों फोर्स का, छोटा करता ताकि फिगर भी दिख पाए, यहाँ पर फिगर दिखेगा बहुत छोटा होगा, नहीं कोई बात नहीं। अब जो बी पे फोर्स है और सी पे फोर्स है वो क्या है, ये ना ही एक्स की तरफ है बी वाला फोर्स, ना ही वाई की तरफ है, मतलब ये एक्स से यदि हम बात करते हैं सी की तो ये एक्स से क्या है, एक्स से बना रहा है 30 एंगल। ठीक है, दिख रहा है फिगर में, तो नहीं पड़ेगा देखिए, ये जो फोर्स है समझ रहे, यहाँ पे ये जो फोर्स है, जो फोर्स सी लगा रहा है ये एक्स एक्सिस से 30 एंगल, दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ 30 एंगल है, यदि एक्स से 30 एंगल है तो ये वाई से कितना एंगल बनेगा, यहाँ से कितना एंगल होगा वाई से? 60 होगा, वेरी गुड, एक्स से 30 तो वैसे 60 होगा, देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है। जब हम ये फोर्स निकालेंगे तो सी वाला फोर्स निकालेंगे तो एक्स में आई होता है, आई में लगा दिए कॉस 30 और वाई में आई में कॉस 30 क्योंकि एक्स से कितना बना रहा है 30 बना रहा है और वाई में लिखेंगे तो लिखेंगे साइन 30। ठीक है, सिमिलरली जब हम बी का निकालेंगे तो वही आई में हो गया कॉस 30 और वाई में हो गया साइन 30। अब यहाँ ध्यान देना है माइनस और माइनस, यहाँ पे है प्लस और माइनस, क्यों है यहाँ ध्यान दीजिए फिगर में, जब इस फोर्स का कंपोनेंट लेंगे इसका एक कंपोनेंट जाएगा एक्स की तरफ वो पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा, लेकिन जो नीचे कंपोनेंट आएगा वाई की तरफ ये ऊपर नहीं है नीचे है इसलिए निगेटिव लेंगे। ये क्लियर हुआ उसी? हाँ दिव्या आप क्लियर हुआ ये चीज? यस ओके। सिमिलरली इसका देखिए, ये वाला फोर्स को दो कंपोनेंट लेंगे, इसका एक्स वाला कंपोनेंट हमारा लेफ्ट साइड होगा तो निगेटिव हुआ, वाई वाला कंपोनेंट भी नीचे होगा तो ये भी निगेटिव हुआ, इसलिए जो बी का फोर्स निकालेंगे, जो जी पे जो बी फोर्स लगा रहा है इसका एक्स भी निगेटिव होगा वाई भी निगेटिव होगा, और सी वाला का एक्स पॉजिटिव होगा केवल वाई निगेटिव होगा, वही यहाँ लिखा है देखिए। बी वाले में क्या किया है, जो बी का फोर्स निकाला है यहाँ पे लिखा है, बी में क्या किया है केवल सी में क्या किया है केवल वाई निगेटिव है एक्स पॉजिटिव है, बी में क्या किया है दोनों निगेटिव है। ये क्लियर हुआ ना ये चीज? हाँ ओके, तो मुझे एक मिनट दीजिएगा, एक कॉल आ रहा है मैं कॉल रिसीव करके फिर
यस, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग को? खुशी यहाँ तक क्लियर हुआ ना? हाँ ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन बना लोगे। अब आप क्या किया है देखो, तीनों फोर्स को लिख दिया। ए वाला फोर्स तो केवल वाई के तरफ ही है, बी वाला फोर्स वाई में और एक्स में दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव कर दिया, और सी वाला फोर्स एक्स में तो पॉजिटिव है लेकिन वाई में नेगेटिव है। अब क्या करेंगे, तीनों फोर्स को सुपर इम्पोज करेंगे बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, तीनों को सुपर इम्पोज करेंगे। तो लिख दीजिए एफ आर इक्वल टू एफ जी ए एफ जी बी प्लस एफ जी सी, और तीनों को जब ऐड करेंगे तो सब आई वाला को कॉमन ले लेंगे, जे वाला कॉमन ले लेंगे, तो हमारा ये फाइनली ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, सब में टू जी एम स्क्वायर कॉमन है, ये जे हो गया, इस तरह से ए आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा पूरा फोर्स जो है आई वाला कट गया, आई का माइनस ये जो है ये दोनों कट जाएगा, कट जाएगा ना, केवल जे बचेगा, जे बचेगा, इसको भी ऐड करेंगे तो फाइनल क्या आ जाता है, फाइनल आंसर जीरो आ जाता है। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना लगा सेंट्रोइड पे, नेट फोर्स कितना लगा सेंट्रोइड पे सुशी? जीरो। जीरो, तो ये चीज हम लोग इसके सिमेट्री से भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके इसके सेंट्रोइड पे है, इसको इधर खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, तो ये यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम था, ये क्वेश्चन था जो कि एनसीईआरटी में पूछा है, एनसीईआरटी दिल्ली 6 में पूछा है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन है, इसको आप बनाइएगा, आई थिंक बन जाएगा सारा क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह क्वेश्चन। फिर उसको आप लोग बनाएंगे, ठीक है, आई होप आप लोग बनाएंगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्या करना है मैं फिर से बता रहा हूँ लास्ट में, सबसे पहले आपको इस पीडीएफ को पढ़ना है, सारा थ्योरी पढ़ना है अपने से, उसके बाद जो सॉल्व एग्जांपल है उसको बनाना है, उसके बाद आपको प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस बनाना है। ठीक है खुशी? हाँ ओके, ठीक है, फिर तो हम लोग यहाँ पर अपने क्लास को वाइंड अप करेंगे, और फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी टाइम में 4:30 से 5:30 के बीच में। ठीक है, और आपको जो दिक्कत होगा, आप दिक्कत जो होगा यदि आप अभी से पढ़ेंगे कल तक, तो अभी भी यदि कोई बीच में आपको दिक्कत होगा तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहाँ पे आप अपना प्रॉब्लम उसका स्क्रीनशॉट आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं वहाँ पे, जैसे भी हमको टाइम मिलेगा वहाँ पे हम रिप्लाई कर देंगे, बता देंगे। ठीक है।